हेलो कौन? हेलो दीदी नमस्ते, मैं निहारिका बोल रही हूँ। अच्छा निहारिका कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दी। दीदी आपने टीना के लिए लड़का बताने के लिए बोला था तो यहाँ मैंने एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। और उनकी फैमिली में कौन कौन है? दीदी उनकी फैमिली में उसकी माँ है और एक उसकी बहन है, उसके पापा की डेथ हो गई है। अच्छा ठीक है, फिर मैं दादी और टीना से तुझको पूछ के बताती हूँ। ठीक है दीदी। मम्मी मम्मी दीदी का फोन है क्या? नहीं बेटा मौसी का है, मुझे भी बात करनी है मौसी से। बेटा आप बाद में बात करना, दीदी जब उठ जाएगी तब उससे भी बात कर लेना। ठीक है मम्मी। मम्मी नमस्ते। अरे बड़ी जल्दी याद आ गई दीदी नमस्ते करने के लिए। मम्मी निहारिका का फोन आया था, कह रही थी टीना के लिए एक लड़का है और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, लेकिन उसकी फैमिली में उसके पापा नहीं है, एक छोटी बहन है और माँ है। अच्छा ठीक है, तो तू टीना से बात करके देख ले। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, चलो टीना को जवाब देती हूँ। बेटा टीना श्रुति उठ जाओ। बेटा टीना उठो, मुझे कुछ बात करनी है बेटा तुमसे। मम्मा उठ रही हूँ। बेटा टीना तेरी मौसी का फोन आया था, तेरे लिए एक लड़का बताया उन्होंने। मम्मी इतनी जल्दी भी क्या है आपको मेरी शादी की? बेटा करनी तो पड़ेगी, अब 25 साल की हो गई, तेरा कॉलेज भी पूरा हो गया है, अब शादी के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। क्यों नहीं, मेरी तो 18 साल में हुई थी, तू तो 25 की हो गई। दादी आप भी ना कैसी बातें करते हो। बेटा लड़का बहुत अच्छा है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और एक बात और, इंडिया में नहीं अमेरिका में सेटल है। सच में मम्मा? तो फिर आप मौसी से बोल दो कि मैं तैयार हूँ, आप उनसे बोल दीजिए कि वो लोग देखने आ जाएंगे। ठीक है मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, बोल दे निहारिका को। ठीक। मम्मी मम्मी फोन आ रहा है। किसका फोन है? मौसी का है। हाँ दी क्या हुआ, आपने टीना से बात कर ली? अरे मौसी मैं बोल रही हूँ। अच्छा दीदी ने बता दिया तुझे? हाँ मौसी बता दिया। मौसी मैं स्पीकर पे लगा रही हूँ, मम्मी से बात कर लो। ठीक है बेटा। हाँ टीना ने हाँ कर दी है निहारिका, अब तू मुझे पूछ के बता देना कि वो लोग कब आ रहे हैं। ठीक है दी, मैं पूछ के बता दूंगी कि वो लोग कब आ रहे हैं आपसे मिलने। ठीक है अब मैं रखती हूँ। बाय बाय मौसी। बाय बाय।